हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल INDie प्लस में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक वेलकम किट की, जो कि दोस्तों हमने एक्सिस बैंक में एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन करा था जो कि ईजी एक्सेस करके अकाउंट है। दोस्तों ये ऑनलाइन अकाउंट हमने ओपन करा था तो उसकी वेलकम किट गाइस हमें जो है रिसीव हो गई। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं जो है एक्सिस बैंक की जो वेलकम किट रिसीव हुई इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। इसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग एक्सिस बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो तो वेलकम किट में आप लोगों को क्या क्या रिसीव होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि उनको जो है चेकबुक या फिर पासबुक सभी चीज़ें जो है वेलकम किट में ही रिसीव हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमें जो है वेलकम किट में क्या क्या रिसीव हुआ। यहाँ पे गाइस मैंने जो है एक अकाउंट एक्सिस बैंक में जो कि ऑनलाइन अकाउंट ही ओपन करा था गाइस, जो कि एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आसान है। हमने एक वीडियो भी बनाई थी लेकिन गाइस किसी फॉल्ट की वजह से वो वीडियो हमारे फ़ोन पे सेव नहीं हो पाई, डिलीट हो गई। इसलिए मैं आप लोगों को जो है एक्सिस बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग की वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाया। लेकिन फाइनली गाइस यहाँ पे हमें जो है एक्सिस बैंक की तरफ से वेलकम किट यहाँ पे रिसीव हो गई। तो हम इसमें देखते हैं आज कि हमें वेलकम किट में रिसीव क्या क्या हुआ, यानी इसके अंदर हमें क्या क्या रिसीव होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर हम एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, 10,000 वाला अकाउंट ओपन करते हैं जो कि, तो उसमें हमें जो है क्या क्या वेलकम किट में रिसीव होता है। तो सबसे पहले गाइस अगर आप लोग जो है एक्सिस बैंक में ऑनलाइन एक अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें आप लोगों को जो है इंस्टेंट फंडिंग करनी पड़ती है, जो कि 16,590 रुपये आपको इंस्टेंट फंडिंग करनी होती है, ठीक है। जिसमें से दोस्तों 590 रुपये आपके ATM के चार्जेस होते हैं, यानी एनुअल चार्जेस होते हैं, ठीक है। प्लस GST वगैरह जो भी टैक्स वगैरह सब उसी में इंक्लूडेड होता है। तो हमने जो है वो अकाउंट ओपन कर लिया, यहाँ पे हमारा जो वेलकम किट रिसीव हो गया है। यहाँ पे हमने जो है इस वेलकम किट को यहाँ पे देख भी रखा है, तो चलिए हम इसको एक बार और ओपन कर लेते हैं। हमने इसको पहले ही ओपन कर रखा है। यहाँ पे हमने कुछ अपनी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे हाइड कर दी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि आखिर इसके अंदर है क्या क्या। तो ये पैक जो है यहाँ पे पहले ही खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो कि खास कुछ नहीं होता इसके अंदर, सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम हो जाता है, आपका एड्रेस हो जाता है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे हो जाता है, और बाकी इस पेज पे कुछ नहीं होता। और बाकी यहाँ पे आपके कुरियर का नाम हो जाता है कि किस कुरियर के थ्रू ये आपको भेजा गया, यानी जैसा कि यहाँ पे मेरे को ये जो है ब्लू डॉट की तरफ से रिसीव हुआ है, यानी ब्लू डॉट से रिसीव हुआ है तो मुझे यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है गाइस। यहाँ पे बार कोड वगैरह मिल जाता है आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसके अंदर देख लेते हैं कि यहाँ पे आखिर है क्या क्या, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन की बुक्स हैं गाइस, तो हम इसको यहाँ पे हटा देंगे। ये वाली इसकी जो है टर्म्स हैं, जो टर्म एंड कंडीशन के कुछ पेज हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा डिटेल है। तो अभी हम इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहला जो पेज है इसके अंदर और कुछ नहीं होता, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये यहाँ पे आप लोगों को जो है इस पेज पे चार्जेस वगैरह बताए जाते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि भैया आपको इस अकाउंट पे कितने कितने कैसे कैसे चार्जेस मिलेंगे और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है, ठीक है गाइस। तो इसको बता के दोस्तों मैं वीडियो लंबी करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे जो है ATM का जो पिन, डेबिट कार्ड का पिन सेटअप करने का बहुत ईजी स्टेप है। आप लोग जो है किसी एक्सिस बैंक के ATM पे जाके इसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है फ़ोन बैंकिंग से इसको सेटअप कर सकते हो। वैसे गाइस आप लोग जो है एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन से बहुत आसानी से अपना पिन जो है जनरेट कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस ये हो गया जो है इसका चार्जेस वगैरह का पेज यहाँ पे। तो अभी हम इसको नहीं देखते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो डेबिट कार्ड है वो इधर है। तो ये ATM कार्ड गाइस आप लोगों को मिलता है ईजी एक्सेस अकाउंट में, ठीक है, जो कि ऑनलाइन रिवॉर्डिंग जो है ये डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ हमने जो है यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के तौर पे अपने कुछ डिटेल यहाँ पे डेबिट कार्ड की हाइड करी हुई हैं, ठीक है गाइस। तो अभी जो है ये देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया हमारा जो कि डेबिट कार्ड, जो कि ATM कार्ड। अगर आप लोग जो है एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को ये ATM कार्ड मिलने वाला है, ठीक है, जो कि वीज़ा कार्ड है ये, और इस पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट लेस यहाँ पे पेमेंट आप लोग कर ही सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन तो आजकल आप लोगों को हर डेबिट कार्ड पे मिलने लगा है, ठीक है गाइस। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक्सिस बैंक का गाइस जो कि 10,000 रुपये मेंटेनेंस वाला अकाउंट है जो हमने ओपन करा, उस अकाउंट पे ये जो है डेबिट कार्ड हमें दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद इसका जो है आपको पीछे का दिखा देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया इसका जो है बैक साइड, आप लोगों को जो है यहाँ पे सीवीवी वगैरह मिल जाती है, और ये हो गया आपका जो है फ्रंट टाइप। तो डेबिट कार्ड का जो लुक है दोस्तों, यानी एटीएम कार्ड का जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया है, जो कि अच्छा लग रहा है। पूरा कलरफुल आप लोगों को जो है इसका लुक मिल जाता है, जो कि काफ़ी डिजाइनिंग है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें जो है वेलकम किट में गाइस क्या रिसीव हुआ, सिर्फ ये एटीएम कार्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है इसकी जो है टर्म एंड कंडीशन का यहाँ पे पेज आ गया, जो कि डेबिट कार्ड के चार्जेस वगैरह आप लोगों को यहाँ पे बता दिए जाते हैं, इसका जो है यूज करने की टर्म एंड कंडीशन आप लोगों को बताई जाती हैं। तो अगर आप लोग जो है एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो बस वेलकम किट में आप लोगों को जो है यही रिसीव होने वाला है। ठीक है, जो कि ये बहुत बड़े बड़े पेज हैं, यहाँ पे कौन पड़ेगा इनको, तो आप लोगों को जो है यही सब रिसीव होने वाला है भैया। इनकी जो है टर्म एंड कंडीशन यहाँ बड़ी बड़ी जो है आप लोगों को इस वेलकम किट में रिसीव होने वाली है। ठीक है, जहाँ पे यूज करने का तरीका वगैरह आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जाता है, जो कि गैस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर आप लोग जो है एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो आप लोगों को जो है मिनिमम फंडिंग जो है 16,590 रुपये करनी होती है, और आप लोग इसे ऑनलाइन इंस्टेंट वीडियो केवाईसी की मदद से ओपन कर सकते हो, और 2 से 3 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया जाता है और आप उसे कंटिन्यू यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली अभी जो है काफ़ी लोगों के मन में जो ये सवाल उठता था कि हमें जो है एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें जो है वेलकम किट रिसीव होती है, तो उसके अंदर आखिर होता क्या है। तो उसमें कुछ नहीं होता गाइस, ये सिर्फ एक एटीएम कार्ड आपको वेलकम किट में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जो है पासबुक लेने के लिए आपको ब्रांच में विजिट करना होता है, ब्रांच से ही आप लोगों को जो है पासबुक मिल जाती है। ठीक है गाइस, आप लोगों को जो है ब्रांच से पासबुक मिल जाती है वो। ठीक है गाइस, उसके बाद आप लोगों को जो है इस पेज पे आपका जो है एड्रेस मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पे आपके जो है कस्टमर आईडी, ईमेल आईडी और आपके जो है अकाउंट नंबर वगैरह आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जाता है, कार्ड टाइप बता दिया जाता है। ठीक है।